मनु वो तुम्हें आइसक्रीम वाला दिखाई दे रहा है, चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। और जब वो आइसक्रीम के पैसे मांगेगा ना तो कोई भी बहाना बना के उसकी आइसक्रीम के पैसे नहीं देंगे। हाँ यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो चलकर आज आइसक्रीम ही खा लेते हैं। चलो छोटू जल्दी से दो आइसक्रीम दे दे चोकोबार। जी मैम साहब, अभी देता हूँ। अरे मैम साहब, मेरे पैसे तो दे दो। अरे हाँ यार, तेरे पैसे देने तो भूल ही गए, चल ठीक है अभी देते हैं। अरे यार, मेरे पास पैसे तो है नहीं, एक काम करते हैं फोन पे कर देते हैं। ठीक है ठीक है साहब, कर दीजिए। हो गए यार, आज तो मजा ही आ गया, आज इसकी आइसक्रीम भी खा ली और पैसे भी नहीं देने पड़े। आज तो सच में ही मजा आ गया, अब हम ना रोज ऐसे ही किया करेंगे और फ्री में आइसक्रीम खाया करेंगे। चलो ठीक है अब हम चलते हैं। सोना एक काम करते हैं, आज इस ठेले वाले से कुछ पैसे ठगते हैं, चलो। अरे भैया, यहाँ पर एक छोटू आइसक्रीम बेचता था, आज वो नहीं आया है क्या? हाँ भैया, वो छोटू ही आइसक्रीम बेचता है यहाँ पर, लेकिन अभी ना वो बाजार के लिए गया हुआ है कुछ सामान लेने के लिए, तो फिलहाल मैं ही बेच रहा हूँ, बताइए। अरे यार, अब कैसे पता लगाऊँ कि ये पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है? अरे भैया, अब ये एड्रेस बता देना। अरे भैया, मैं ये एड्रेस आपको कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। क्या आप सच में पढ़े लिखे नहीं हो? हाँ मैम साहब, मैं सच में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर मैं पढ़ा लिखा हुआ होता ना तो मैं यहाँ पर आइसक्रीम नहीं बेच रहा होता, कहीं पर जॉब कर रहा होता। वो भैया, हमें कुछ पैसों की जरूरत थी, हम अपना वॉलेट घर पर भूल गए, तो हम आपके खाते में ट्रांसफर कर दे रहे हैं और तुम हमें कैश दे दीजिए। लेकिन भैया, मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ, तो फिर मैं आपको पैसे कैसे दे सकता हूँ? अच्छा चलो, मान लिया कि मैंने आपको पैसे दे भी दिए, तो फिर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अरे भैया, इसमें जानने की क्या बात है, और रही बात फायदे की, तो हम आपको 5,100 रुपये पे कर देंगे, आप हमें 5,000 दे देना। हाँ ठीक है भैया, आप कर दीजिए, मैं आपको अभी 5,000 रुपये दे दूंगा। चलो ठीक है भैया, मैं अभी कर देता हूँ। हो गए भैया, अब आप हमें जल्दी से 5,000 रुपये दे दीजिए। हाँ हाँ मैडम, चिंता क्यों करती हो, मैं अभी आपको 5,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे अपने फोन में हिस्ट्री तो दिखा दीजिए कि आपने पैसे सेंड किए भी हैं या नहीं। हिस्ट्री दिखा दो उनको। अरे भैया, हिस्ट्री देखने की क्या जरूरत है, हमने कर तो दिए, और वैसे भी मेरा मोबाइल अभी स्विच ऑफ हुआ है, कल चार्ज करने के बाद दिखा देंगे आपको। अब ज़्यादा नाटक करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बारे में ना मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तुम दोनों एक नंबर के चोर हो, और उस बच्चे को इसी तरीके से परेशान करते आ रहे हो कि उसकी हर रोज आइसक्रीम खाते हो और एक भी रुपये ट्रांसफर नहीं करते हो। अब तुम दोनों लोग ये सोच रहे होगे ना कि ये सब मुझे कैसे पता चला, तो अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे बेटा, क्या हुआ और तुम रो क्यों रहे हो? अंकल, मेरी ठेली पर एक मैम साहब और एक साहब आते हैं और वो आइसक्रीम खा कर जाते हैं, और जब मैं उनसे अपने पैसे मांगता हूँ तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, शायद उनके पास खुले पैसे नहीं होते होंगे, इस वजह से वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो फिर इसमें रोने वाली क्या बात है? अंकल, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आज मैंने अपना अकाउंट चेक किया था तो उसमें 1 भी रुपया नहीं था। अब मुझे ये बताओ, वो जो तुम्हारे अंकल और आंटी हैं, उनके बारे में तुम कुछ जानते हो कि वो कहाँ रहते हैं? अंकल, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो हर रोज आते हैं आइसक्रीम खाने। चलो ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, आज ना तुम्हारी आइसक्रीम मैं बेचूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि वो किस तरीके से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है साहब। तुम दोनों लोग मुझे ये बताओ, इस गरीब के साथ में ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं लगी? तुम जानते भी हो कि वो बच्चा कितनी मेहनत से कमाता खाता है, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? मानते हैं भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब तक जितनी भी हमने आइसक्रीम खाई है हम उसके पैसे वापस कर देंगे। देखो, तुम लोगों को माफ़ी मांगनी है ना, तो उस गरीब बच्चे से मांगो जिसके साथ तुम लोगों ने धोखा किया है। बेटा रोहित, इधर आओ। बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, हम कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुम दोनों लोगों को जरा सी भी शर्म हो ना, तो आगे कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना, जाओ अब यहाँ से। साहब, आज आपकी वजह से मुझे मेरे पैसे मिल गए, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में ना बहुत ही चालाक लोग पड़े हैं, और कोई भी तुम्हारे साथ धोखा कर सकता है, तो अगर आगे से आइसक्रीम बेचो ना
तो अपने पैसे नगद ही लेना, किसी से अकाउंट में नहीं डलवाना, ठीक है? अब तुम आइसक्रीम बेचो, मैं चलता हूँ। ठीक है सर।